जो भी आए महाराजा बर्गर खाए, पत्ती तिल्ली से होकर मोमबत्ती बनकर जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। तो हाल ही में मैं आया था नासिक के अंदर, और ये वाला मेरे पीछे जो है वो है NDVP आर्किटेक्चर कॉलेज, और उसी के ठीक सामने एक बहुत ही बढ़िया जगह मुझको मिली हुई है। तो भाई, सस्ता और बढ़िया खाना किसे खाना पसंद नहीं, और ऐसी जगह ठीक मेरे सामने है जो कि है महाराजा बर्गर। भाई यहाँ पर जो है महंगी से महंगी चीज़ है 80 रुपये की, और सस्ती से सस्ती चीज़ है 25 रुपये की, और भाई क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैं आपको अंदर जगह दिखाऊंगा कि भाई कैसी चीज़ है, कितना बढ़िया लगता है। तो आप मेरे साथ चलिए, और आप यहाँ पे इसके बाद खुद भी आइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो बस बिना किसी देरी के हम लोग वहाँ पे चलते हैं। मैं मतलब आज रैंडमली आया हूँ, ऐसा कोई रेगुलर फूड ब्लॉग टाइप नहीं है, बट ये जगह यहाँ पे मैं पहले खुद आके भी खाता था, तो और आज मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया है यार। ये लोग तो यहाँ के फ़ैन ही है, साथ में लेके आए है कि नहीं, ये मुझे शूट कर रहा है। मैं जानबूझ के बीज का पीस उठाऊंगा जिसके अंदर ज़्यादा वेजीज और वो सब उनको मिलेगी, इसको और ले लीजिए अपने इसके अंदर। क्या बात है, ओहो ये देखिए बहुत गजब और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। नहीं अंदर पेट भर जाएगा 60 रुपीज़ में, रोड साइड में बहुत बढ़िया वाला पेट आपका भर जाएगा। ओके ठीक, मसाला था एक पीस लीजिए, और देखिए क्या रंगत है, बहुत ही बढ़िया ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा येलोइश और ब्राउनिश जो है वो हमारा तंदूर सॉस है, और बाकी उसके अलावा है वो हमारा मेयोनीज सॉस है। ठीक है, तो आई थिंक ये निवाला बहुत ज़्यादा ही टेम्पटिंग लगता है, आपको इसको देख के खाने की बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाएगी। तो भाई मैं भी वही करता हूँ, मेरी भी इच्छा हो रही है, तो देखता है इसका निवाला कैसा लगता है यार। ये देखिए दूसरी तरफ से जो है पूरा सॉस सॉस पूरा बाहर निकल जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, यानी ये कितना फील्ड आप देख सकते हो एक निवाला उठाने के बाद। यहाँ पर जो है देखिए कितना आपको सॉस दिख रहा होगा, बहुत ही गजब और बहुत ही बढ़िया। आई थिंक 35 रुपीज़ में आपको जो टेस्ट मिल रहा है, जितना आपको मेयोनीज और ये सब चीज़ें मिल रहा है, लवली। तो भाई देर आओगे आप दोस्तों के साथ में, बढ़िया So good. जाने दो इसका आवाज़ आपको आएगा नहीं, पर दिस टेस्ट रियली गुड।
दिस माइट बी अराउंड 200 to 300 ग्राम्स का ही होगा जितना मुझे वेट लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब इसके अंदर क्या क्या डाला है ये मुझको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको बनते वक्त भी देखा था, बहुत ही गजब बात है। तो बिना किसी तरीके से इसको टेस्ट करते हैं, बिना वक्त को ज़ाया किए। ये देखिए बनावट बहुत बेहतरीन। इसको ग्रिल विल नहीं किया है, गर्म नहीं है, तो ठंडी ठंडी सब्जियाँ साथ में हमारा पोटैटो आलू जो डाला हुआ है उसके ऊपर सॉसेज चीज़ हल्का सा चॉकलेट का जो सिरप डाला हुआ है उसके ऊपर टोमेटो सॉस, तो एक टैंगी सा बहुत बढ़िया वाला फ्रेश और वेजीज वाला टेस्ट आता है। आई थिंक ऑल टुगेदर तीनों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था, पर अपने ये वाला पक्का ट्राई करना चाहिए अगर फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में आ रहे हो तो। इज ऑफ 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़ में इन्होंने जो दिया है इट इज़ एब्सोल्यूटली वर्थ इट। तो भाई मेरे हिसाब से आपने ये ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आ रहे हो तो भाई कुछ मीठा होना चाहिए डेजर्ट के नाम पे, तो आपको वो अगली डिश दिखाता हूँ मैं जो कि होने वाला है हमारा चॉकलेट सैंडविच। वो भी ऑफ कोर्स बाकी की चीज़ें लोडेड है तो वो भी लोडेड होना बनता है, रिवाज हम तोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं हमारा चॉकलेट लोडेड सैंडविच बनता कैसे और वो कितने का है और वो वर्थ है या नहीं। हमारा चॉकलेट लोडेड सैंडविच जो कि चॉकलेट लवर्स है उनके लिए, तो भाई ये उन्हीं के लिए बना हुआ है। और ये देखिए भाई साहब एक बार देखिए, ओह लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और इसका एक ये देखिए पीस देखिए बहुत ज़्यादा गजब लग रहा है, पूरा जो है ब्रेड ने जो है चॉकलेट को पूरा सोक कर लिया है जो कि एक्सपेक्टेड है, ताकि जब इसको हम चबाएंगे तो उसका जो है बर्स्ट होगा, तो बर्स्ट के अंदर फील होने वाला है। बस बिना किसी तरीके से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और लेयर्स वाइज जो चॉकलेट है वो बाहर आ रहा है, तो आई थिंक आई ओवरऑल लव दिस। इसका पीस देखिए बहुत ब्यूटीफुली बाहर आया हुआ, तो जिस वजह से कट करके दिया है खाने में भी आसान है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। भैया इसका रेट कितना है भाई? 50 रुपये में आपको ये मिल रहा है, 50 रुपये में आपको भाई एक आइसक्रीम या सिल्क वगैरह वो सब भी मिल जाता है। तो अगर आप 50 रुपीज़ में ये खा रहे हो तो आपका सिल्क भी खाना हो जाएगा, आपका सैंडविच भी खाना हो जाएगा, दो चीज़ें दो तीर एक निशाना हो जाएगा आपका इस सैंडविच के साथ में 50 रुपीज़ के अंदर। तो आई थिंक बहुत ही गजब है भाई। भैया हम आपको बताओ, हमको ये बताओ कि आपका राजा भैया का भाई टैगलाइन क्या है भाई, महाराजा बर्गर टैगलाइन क्या है? जो भी आए महाराजा बर्गर खाए, पत्ती तिल्ली से होकर मोमबत्ती बनकर जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। मतलब भाई आप अगर यहाँ पे आते हो रेगुलरली एक महीने के बर्गर खाते हो तो आप भाई मोटे होकर जाओ भाई, इतना लोडेड यहाँ पे बर्गर होता है। और भाई एक खास बात, एक बार मुस्कान दिखा दो अपनी भाई के, जो डिम्पल है भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, डिम्पल पे जूम वूम कर दूंगा मैं, क्या बात है। तो बस आइए पीछे, मैं बोलता हूँ आप आइए नासिक के अंदर राजा बर्गर खाइए। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बनाया, बहुत रैंडमली बनाया मैंने, यहाँ पे खाना बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है और भाई बहुत ज़्यादा भर के मिलता है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, हर बार की तरह यही कहूँगा, स्टे हेल्दी स्टे फिट बट डोंट फॉरगेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे हंग्री।